हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग क्या कर रहे हो? संडे तो मेरा बहुत बिजी डे होता है। आज लेट से भी उठी हूँ, सारा काम लेट। ये तो हमेशा का ही होता है, लेट से आप अगर उठोगे तो सारा काम लेट होता है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, दिल से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो चाय नाश्ता अभी जस्ट की हूँ, 10:30 हुआ है, बहुत लेट हो गई हूँ। ऑफिस नहीं रहता तो हम थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं टाइम। तो घर में एक छोटा सा एक फंक्शन होने वाला है, उसके लिए बहुत सारा सामान मुझे परचेस करना है, तो बाहर जाएंगे हम लोग। बाहर का खाना अभी अवॉइड कर रहे हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी मैंने चाय नाश्ता बनाने के टाइम ही खाना चढ़ा दिया था। बस राइस गर्मा गर्म चढ़ाऊँगी, तो क्या क्या बनाया दिखाती हूँ चलिए। तो आप लोगों का संडे बहुत बिजी जाता है, आई नो सबका ही संडे बहुत बिजी जाता है। हम थोड़ा सा लेज़ी संडे को थोड़ा लेज़ी डे बना लेते हैं, है ना। और मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया है, तो थोड़ा वीडियो इधर उधर हो रहा है ना फ्रेंड, आप लोग बुरा मत मानिएगा। तो चलिए दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए दाल मैंने बॉईल करके रख दिया है, बस इसको तड़का लगाना है। ये दाल में मैंने बॉटल ग्राउंड डालते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये दाल। बॉईल करके रख दिया है और चिकन बन रहा है। देखिए चिकन का रेसिपी तो ऑलरेडी डाली हूँ मैं, ऑलमोस्ट बन गया है, बस फाइनल टच देना है, गरम मसाला डालना है। इधर मैंने पानी बॉईल कर लिया है, पानी को यहाँ पे डाल दूँगी। गरम पानी डाल रही हूँ फैन, गरम पानी डालने से सब्ज़ी का टेस्ट दुगना हो जाता है, मतलब अच्छा होता है, दुगना नहीं होता है, पानी से थोड़ी ना टेस्ट बढ़ेगा, बट फिर भी गरम पानी देने से बहुत ही अच्छा एक आपको फ्लेवर में कोई हेरफेर नहीं होता है। बस अब गरम मसाला डाल दूँगी, गरम मसाला भी मैंने कूट लिया है। बस कुछ नहीं, और बस चिकन और दाल बनाया है। देखती हूँ अगर फ्राई बनाने को मन किया तो बना लूँगी। तो ये देखिए मसाला कूट लिया है, अभी मैं थोड़ा सा डालूँगी और फिर उतारने के टाइम में भी थोड़ा सा डालूँगी। इससे ना फ्रेंड, आप लोग जो जिन्होंने मेरा चिकन का रेसिपी देखा होगा पता है मैं इसी तरह से ही डालती हूँ, टेस्ट बढ़ता है इससे। तो थोड़ा सा फ्लेम को कम कर दूँगी, 80 रखूँगी और ढक्कन लगा दूँगी। आलू तो मेरा थोड़ा सा बॉईल होने को बाकी है, इतना यम्मी लग रहा है ना फ्रेंड, देखिए बहुत ही यम्मी लग रहा है। ढक्कन लगा देती हूँ, सब कुछ साफ़ कर लिया है। मैं खाना बनाते जाती हूँ, देखिए गैस वगैरह सब साफ़ हो गया है, गैस में भी मैंने बनाया था थोड़ा सा, इधर देखिए। और ये है, थोड़ा नमक टेस्ट करने के लिए मैं ले लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है फ्राइड चिकन खाना। तो ये टेस्ट करने के लिए मैंने ले लिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे फ्राइड चिकन खाना। इससे आपको पता लगता है आपका नमक कितना बना है और नमक डालना है, तीखा कैसा है, थोड़ा सा अगर टेस्ट करते हो तो ऐसे आपको सब कुछ पता लग जाता है। तो ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। तो थोड़ा सा फंक्शन का सामान मुझे लाना था, तो मैंने सोचा था कि बाहर जाके मार्केट वगैरह में भी आप वीडियो बनाऊंगी, बट इतना रश था
और वीडियो बना नहीं पाई, बस इतना सा ही मैंने वीडियो किया। तो और ये है देखिए यम्मी सा ऑलिव की चटनी। तो देखिए मैंने ये साबुत इसीलिए मैंने रखा है प्लेट में ताकि आप लोगों को समझ में आए, बहुत सारे लोग नहीं खाते होंगे घर में। तो देखिए ये हम कच्चे भी खाते हैं, बॉईल करके भी खाते हैं, बहुत ही खट्टा होता है। और ये देखिए इसको ऐसे पीसेस में काट लीजिए। बस हम लोग तो ऐसे धूप में बैठ के इसका मज़ा लेते थे, हम बहनें, बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए इसको पीसेस कर लिया है। और ये ऑलिव का अचार भी बहुत अच्छा बनता है, इसका रेसिपी भी मैं डालूँगी। और ये है ग्रीन चिली, ये है गार्लिक, और इसमें खूब सारा धनिया देना होता है। मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ तो थोड़ा सा ही धनिया मैं ऐड करूँगी। तो मिक्सी में मैं अब ये हम लोग जलपाई बोलते हैं, और हिंदी में मुझे पता नहीं, किसी को अगर पता है तो प्लीज़ बोलिएगा। तो जलपाई या ऑलिव डाल दिया है, गार्लिक भी डाल दिया है, और ये जो चिली आप लोग देख रहे हो तीन, ये इतना तीखा नहीं है। धनिया को भी डाल दूँगी। ये आप किसी भी स्नैक्स के साथ भी ले सकते हो, बहुत ही यम बना था। और जब भी मैं बनाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो टेस्ट वाइज नमक डाल दिया है, खट्टा है तो थोड़ा सा ज़्यादा नमक चाहिए इसमें। तो देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है, कितना अच्छा लग रहा है। ग्रीन चीज़ तो ऐसे भी आँखों को बहुत ही अच्छा लगता है ना फ्रेंड। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही, देखिए ज़्यादा ही बनाई हूँ, और खट्टा है तो कम ज़्यादा चाहिए होता है। तो ऐसे जो डब्बा आता है उसमें आप फ्रिज में आराम से ये चटनी 3-4 दिन स्टोर करके रख सकते हो, कोई इशू नहीं, आराम से रख के आप खा सकते हो। तो यम्मी ऑलिव की चटनी मेरा बनके रेडी हो गया है। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।